नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। एक तरफ बिहार में कोरोना को लेकर अलर्ट की स्थिति है, तो वहीं बोधगया में आयोजित बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई देशों से श्रद्धालु पहुंच रहे। ऐसे में खबर सामने आई है कि यहां 7 विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स सैलरी क्लॉस की तरफ से दिया जाता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसमें जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई है। सैलरी क्लॉस की तरफ से लंबे समय से इनकम टैक्स स्लैब चेंज करने की मांग की जा रही थी। अगर आप भी हर साल टैक्स पे करते हैं तो इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तरफ से आपको राहत मिलने की संभावना है। इस बार जानकार उम्मीद जता रहे हैं कि वित्त मंत्री बजट में मिडिल क्लॉस को जरूर राहत देगी। बीएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी नेतृत्व स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के तहत 23 दिसंबर को आयोजित पहली पाली के पेपर को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को बीएसएससी सीजीएल की पहली पाली का प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी सामने आई थी। ईओयू ने मामले की जाँच करते हुए पेपर लीक के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया, साथ ही बताया कि पेपर कहां लीक हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आयोग ने सीजीएल पीटी परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। सोमवार देर शाम जेलेंस्की ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी बात पीएम मोदी से हुई है। जेलेंस्की ने ट्वीट किया, मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और एक सफल G20 राष्ट्रपति पद की कामना की और पिछले सप्ताह अपनी अमेरिकी यात्रा पर प्रस्तावित 10 सूत्री शांति सूत्र पर भारत का समर्थन मांगा। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसके बाद से मोदी और जेलेंस्की के बीच यह चौथी टेलीफोन बातचीत थी। वहीं पुतिन से पीएम मोदी के बीच 5 बार बातचीत हो चुकी है। राहुल गांधी ने राजस्थान में पूरी यात्रा को सिर्फ एक व्हाइट टी शर्ट में निकाल दिया, जबकि तापमान गिर रहा था। ये सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को जहां देश की राजधानी दिल्ली में तापमान करीब 7 डिग्री के आसपास था, राहुल गांधी फिर सफेद टी शर्ट में दिखे, वो भी नंगे पैर। दरअसल राहुल गांधी महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर कड़कती ठंड में श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने इस दौरान भी महज एक व्हाइट टी शर्ट ही पहनी थी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पोते और तेलंगाना भाजपा नेता एनवी सुभाष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। एनवी सुभाष ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस में गैर गांधी नेताओं के लिए थोड़ा सम्मान है। एनवी सुभाष ने कहा कि हैदराबाद में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि नहीं दी। साल 2022 के आखिरी हफ्ते में आने के बाद अब सभी की नजरें नए साल के आगमन पर लगी हुई है। आज 27 दिसंबर को देश में पेट्रोल और डीजल के रेट भी बदल गए हैं और सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपने अपने फ्यूल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। कच्चे तेल के आज के दाम देखें तो ये उछाल के साथ बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड फिर $85 प्रति बैरल के नजदीक आ रहा है और आज $83.92 प्रति बैरल के रेट पर है। WDIT क्रूड भी $80 से ऊपर आ चुका है और $80.42 प्रति बैरल के रेट से ऊपर है। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी सदस्य पद के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की मंगलवार को आखिरी तारीख है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भर दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन पार्टी आम आदमी पार्टी को वॉकओवर देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी मेयर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का दांव चल सकती है। अखबार के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेरित के बयान का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये बात दिमाग में रखनी होगी कि राहुल गांधी उस शख्स की समाधि पर गए हैं जिन्होंने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की सीख दी थी। आज वही मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री है। मेरा मानना है कि राहुल को उनकी समाधि पर देखकर प्रधानमंत्री जरूर उस सीख को याद करेंगे। राजनीति बड़े दिल से की जाती है, आज राहुल जी ने वही किया। बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में रवीश कुमार ने अदानी अंबानी रॉय दंपति और मोदी सरकार से लेकर राजनीति में आने की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बात की। रवीश कुमार ने कहा कि NDTV का खरीदा जाना एक सामान्य व्यापारिक फैसला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि उनको निशाना बनाने के लिए NDTV को खरीदा गया है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एम्स में भर्ती है। उनके पेट में इन्फेक्शन की शिकायत बताई जा रही है। वो स्टीन चेकअप के लिए दोपहर में करीब 12 बजे एम्स पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में ही भर्ती कर लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया है। हालांकि उन्हें शाम तक एम्स से छुट्टी दिए जाने की उम्मीद है। अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय में G20 और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रवक्ताओं, पैनलिस्टों और मीडिया समन्वयकों को विशेष रूप से संबोधित किया। सूत्रों के अनुसार जयशंकर ने आज भाजपा प्रवक्ता को मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में G20 भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, इसमें जनभागीदारी बढ़ानी है।
सीआरपीएफ में सरकारी नौकरी के इच्छुक और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल या एसएसआई भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के 1400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है। बल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एसएसआई के 143 पदों और हेड कांस्टेबल के 1315 पदों समेत कुल 1458 पदों पर भर्ती की जानी है। सभी रिक्तियों के लिए महिला और पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। हर साल मोबाइल अपग्रेड हो रहे हैं। अपग्रेड होने के कारण व्हाट्सएप भी ऑटोमेटिक रूप से सिक्योरिटी अपडेट देता है। अगर आप पुराने स्मार्टफोन या आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। व्हाट्सएप 31 दिसंबर से कुछ पुराने स्मार्टफोन में चलना बंद हो जाएगा। बता दें कि 24 अक्टूबर से व्हाट्सएप ने 2 आईफोन में सपोर्ट देना बंद कर दिया है, लेकिन इस बार लिस्ट लंबी है। लिस्ट में आईफोन के अलावा सैमसंग, सोनी, एलजी सहित कई कंपनियों के स्मार्टफोन है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने सोमवार को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से अपना ट्रायल रन पूरा किया। आधिकारिक बयान या जानकारी दी गई। इसी के साथ देश को एक और वंदे भारत का तोहफा मिलने जा रहा है, जिसे पीएम मोदी नए साल से 30 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस के बाद न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी से कोलकाता के बीच पहली एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इसमें साउथ और नॉर्थ बंगाल के बीच की दूरी को कम समय में कवर किया जा सकेगा। भारत की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी हेट्रो को कोविड 19 ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट निर्मित्रेलवीर के जेनेरिक वर्जन के लिए WHO से मंजूरी मिल गई है। यह फाइजर की कोविड 19 ओरल एंटीवायरल दवा पैक्सलोविड के जेनेरिक वर्जन के लिए प्री क्वालिफिकेशन है। इसे WHO ने हाई रिस्क वाले मरीजों के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन बताया है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की बात पर सांसद वरुण गांधी ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूरे मसले को सिर्फ 3 शब्दों में समेट कर अपनी बात को खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये सब अफवाह। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस मसले पर ज्यादा कुछ नहीं बोला। हालांकि इससे पहले उनके कांग्रेस में जाने की लगातार चर्चा चल रही थी। अगर कम पैसे निवेश करके अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स में हर दिन 95 रुपए का निवेश करके बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए लोग तरह तरह की सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। पोस्ट ऑफिस भी कई तरह की सेविंग स्कीम्स चलाते हैं। देश के करोड़ों लोगों ने पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स निवेश किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें निवेश की राशि सुरक्षित रहती है। सही संस्कार और शिक्षा के साथ साथ एक अभिभावक का यह भी कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को वित्तीय रूप से समझदार बनाए। बच्चों को वित्त के बारे में जानकारी देना और उसका महत्व समझाना अभिभावकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी शुरुआत आप एक बचत खाते के साथ कर सकते हैं। आप अपने 18 वर्ष से कम के बच्चे की वित्तीय शिक्षा की शुरुआत बचत की सीख के साथ कर सकते हैं। बचत खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। इसमें कई बार एक आम बचत खाते की तरह ही मिनिमम अकाउंट्स बैलेंस को बनाकर रखना होता है। त्योहारी सीजन में कंफर्म टिकट हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपको तत्काल टिकट आरक्षण सिस्टम के तहत भी कंफर्म टिकट नहीं मिलता है। यदि कोई आपात स्थिति है और आपके पास एक विकल्प के रूप में केवल ट्रेन यात्रा है तो एक तरीका है जिससे आप बिना कंफर्म टिकट के भी भारतीय रेलवे की ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को आगामी 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने संबंध स्कूलों को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की वीडियोग्राफी करना आवश्यक है। इसमें लापरवाही करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई भी स्कूल में लापरवाही बरतता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सुशांत की मौत के 2 साल बाद इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। बता दें कि उनके पोस्टमार्टम से जुड़ा एक बड़ा सच सामने आया है। साल 2020 में सुशांत की मौत के बाद उनके शरीर का पोस्टमार्टम कपूर अस्पताल में किया गया था। उस दौरान ये दावा किया गया था कि उनकी बॉडी पर कोई निशान नहीं है और उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन अब पोस्टमार्टम की टीम से एक कर्मचारी ने इन सारे दावों को गलत बताया है। ऐसे में अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उनकी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन दिनों काफी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर सिलेक्शन कमेटी तक लगभग सभी को बदल दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान बोर्ड का भारत के खिलाफ रवैया भी नरम पड़ गया है। नए पीसीबी अध्यक्ष नजम सेठी ने अब भारत के खिलाफ सभी मामलों को अपनी सरकार पर छोड़ दिया है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खास प्लान बना रही है। कांग्रेस पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जिम्मेदारी बांटने वाली है। बताया जा रहा है कि राहुल दक्षिण भारत की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर भारत में पार्टी की कमान संभालेगी। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नए साल में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और यहां 3 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड में पड़ा गई है और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संकट के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है और कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही सरकार ने इसकी कीमतें भी निर्धारित कर दी है।
शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी है कि कब्जाधारी व्यक्ति उस भूमि या संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 साल या उससे ज्यादा समय से बगैर किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यही नहीं, यदि ऐसे व्यक्ति को इस भूमि से बेदखल किया जा रहा है तो वह उसकी ऐसे रक्षा कर सकता है जैसे वह उसका मूल स्वामी हो। सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत प्राइवेट लैंड पर यह सीमा 12 वर्ष की है, जबकि सार्वजनिक जमीन पर 30 वर्षों की समय सीमा रखी गई है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में नई सरकार बन गई है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ सीपीएन माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ले ली है। उनके प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही चीन ने उन्हें बधाई दी। बता दें कि प्रचंड चीन के करीबी माने जाते हैं। भारत के लिए प्रचंड का प्रधानमंत्री बनना इसलिए ही कई मायनों में उतना फायदेमंद नहीं है। ऐसे में भारत को भी चीन के करीबी नेपाल पीएम से सावधान रहने की जरूरत है। एशिया कप में पाकिस्तान न जाने के फैसले पर बीसीसीआई सचिव जहसा के बयान के बाद लगातार पीसीबी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। पीसीबी चीफ रमीज राजा थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि यदि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। अब इस पूरे प्रकरण पर पीसीबी के नए चेयरमैन नजम सेट्ठी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में पाकिस्तानी टीम को भेजने का फैसला सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। अगर सरकार टीम भेजने से मना करेगी तो हम ऐसा ही करेंगे। हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनिल राम, नन्नू गोलू कुमार, रवि शंकर, सितेश कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकिशोर कुमार, अनवर करीम खान, के सिन्हा, मनीष कुमार यादव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।